हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज देख रहे हैं, आज चर्चा करने वाला हूं दोस्तों एल्युमिनियम का शोधन, जिसमें से हुब विधि का चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले अपन ने एक विद्युत अपघटन की विधि को समझाया था, है ना, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई स्टेट के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको पूरा विधिवत कराना होता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मेन है दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ पर हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई करना है। वहाँ पर दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोस्तों कई स्टेट में हो सकता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हों, इसलिए मैं इसको पूरा क्वेश्चन सहित करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव यदि एमपी से हैं आप, तो इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम के शोधन में हुब विधि। तो सबसे पहले दोस्तों इसको डायग्राम को समझना है कि डायग्राम में है क्या क्या चीज़ दोस्तों। तो जैसे दोस्तों एक लोहे की टंकी है, ये है ना, लोहे की क्या है, टंकी है दोस्तों। इसके जो आंतरिक भाग पर कार्बन की लाइनिंग बनी हुई है ना, कार्बन की लाइनिंग जो दोस्तों एनोड का कार्य कर रहा है, मतलब प्लस का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों कई इलेक्ट्रोड कार्बन के डूबे हुए हैं, है ना, जो कि कैथोड की भांति कार्य करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि तीन परत होते हैं। पहला जो निचला परत होता है दोस्तों, इसको अपन क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये नली लगा हुआ है जिसके माध्यम से अशुद्धियां युक्त एल्यूमिनियम को डालते हैं, तो नीचे जो तल पर होता है दोस्तों अशुद्ध एल्यूमिनियम होता है। और जो दोस्तों मध्य परत होता है, इसमें दो चीजें भरी होती है ना, कौन कौन से दोस्तों, बेरियम फ्लोराइड होता है और क्रायोलाइट होता है। दो चीजें रहती है, पिघला हुआ फ्लोराइड होता है, बेरियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट, दो चीजें यहाँ पर होती है दोस्तों, अशुद्धियां यहाँ पर होती है। जब अपन क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें से दोस्तों शुद्ध जो एल्यूमिनियम होता है ऊपर की ओर चलकर कैथोड पर जमा हो जाता है, और उसे कैथोड के सहारे से अपन एकत्रित कर लेते हैं और अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अब लिखना कैसे है, जैसा मैं बोलूंगा वैसे आपको लिख लेना है कि दोस्तों एल्युमिनियम के शोधन में अपन हुब विधि का प्रयोग अधिकाधिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम के शोधन में हम हुब विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें दोस्तों तीन स्तर होते हैं, है ना। सबसे निचला स्तर दोस्तों जहां पर अशुद्ध एल्युमिनियम युक्त पूरे पदार्थ होते हैं, है ना, मध्य भाग में। दूसरा दोस्तों क्रायोलाइट एवं बेरियम फ्लोराइड का मध्य परत होता है। तीसरा दोस्तों शुद्ध धातु ऊपरी कैथोड पर जमा हो जाती है। इस प्रकार से इसमें तीन लेयर होते हैं। जब दोस्तों धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके मध्य क्या होती है, क्रिया। तो आपको लिखना है धारा प्रवाहित करने पर मध्य परत पर क्या होती है, क्रिया होती है, और शुद्ध एल्युमिनियम, ठीक है, अलग होकर कैथोड के चारों ओर एकत्रित हो जाती है। जैसे कैथोड है दोस्तों, यहाँ पर इसके चारों ओर शुद्ध एल्युमिनियम क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, और कैथोड के सहारे से फिर हम शुद्ध एल्युमिनियम को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हुब की विधि है। हुब की विधि बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें चार से पांच लाइन लिखना होता है, चित्र बनाना होता है यदि क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो हुब की विधि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों कुछ और आज चर्चा करने वाला हूं, जैसे टॉपिक्स है भौतिक गुण, एल्युमिनियम के कौन कौन से भौतिक गुण है, तो मुख्यतः दो से तीन याद कर लेना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए। पहला दोस्तों एल्युमिनियम विद्युत व ताप का सुचालक होता है। एल्युमिनियम विद्युत व ताप का सुचालक होता है, मतलब ताप का भी सुचालक होता है और दोस्तों विद्युत का भी सुचालक होता है। इसका गलनांक 933 केल्विन। अब दोस्तों केल्विन जो होता है डिग्री सेल्सियस से 273 आगे होता है, ठीक है, तथा क्वथनांक 2743 होता है। क्वथनांक कितना होता है, 2743, और गलनांक होता है 933। अगला दोस्तों एल्युमिनियम मृदु व सिल्वरी व्हाइट या चमकदार सफेद रंग की धातु है, मतलब दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है वो सफेद रंग का होता है, ठीक है, या सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। इस प्रकार से इनको आपको याद कर लेना, ये दो तीन याद कर लेना है दोस्तों। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है ना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों वैसे तो अब पैटर्न चेंज हो गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एमपी में, है ना, लेकिन आपके यहाँ किस प्रकार से आते हैं दोस्तों, तो आप लोग कृपया उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने हैं, लास्ट में पूरे ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। बाकी क्रम से आपको वीडियो देखना है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है, इन्हीं के बीच से बनता है। जब आप पूरा विधिवत पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपको बन जाएगा। तो रासायनिक गुण में दोस्तों पहला नंबर है वायु से क्रिया। वायु से क्रिया दोस्तों, शुष्क वायु में कोई क्रिया नहीं होती है। आपको लिखना है कि एल्युमिनियम का शुष्क वायु में कोई क्रिया नहीं होता, मतलब एल्युमिनियम कोई प्रभावित नहीं होता, लेकिन जब नम वायु होता है, जैसे दोस्तों एल्युमिनियम है नम वायु युक्त, मतलब O2 है, नमी युक्त होता है, तब दोस्तों एल्युमिना बनाता है, Al2O3, इसको बोलते हैं दोस्तों कोरेंडम। अब इसकी बैलेंसी करानी दोस्तों, तीन ऑक्सीजन है तो तीन दूनी छः कर देंगे, तो दो तिहाई छः हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि चार एल्युमिनियम, तो चार का मल्टीप्लाई कर दिए,
तो वायु से क्रिया करता है, शुष्क वायु में कोई क्रिया नहीं होती। किंतु दोस्तों जब नमी युक्त वायु होता है तब वहां पर जो एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिना बनाता है, सॉरी ये एल्यूमिना है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जैसे मैं कह दूं जल से क्रिया, जल से क्रिया करा दीजिए, बहुत ही आसान होता है दोस्तों। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, इसकी क्रिया जल से करा रहा हूं, क्या बनेगा, चलिए आप खुद सोचिए दोस्तों। तो जैसे H2O तो होता है दोस्तों, ये कैसे टूटता है, H में टूटता है और OH में टूटता है। तो जो OH भाग है एल्यूमिनियम से क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ये तीन होगा, तीन क्यों कर दिया मैंने दोस्तों, क्योंकि एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव होता है, तीन निगेटिव जुड़ेगा और जो भी हाइड्रोजन शेष होगा दोस्तों H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। बैलेंस ही करानी है हमको, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, सिंगल है, तो अपन यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का दोस्तों, तीन का, तो कितना हो जाएगा, तीन ओ हो जाएगा। तो तीन का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा क्या, तो आ सकता है तीन दूना छः, तीन हो गया, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, छः का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब छः दूनी बारह हो जाएगा, तीन का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि तीन के मल्टीप्लाई में यहाँ पर यदि तीन का गुणा करते हैं तो तीन तरह का ही नौ हो जाता है ना, दो का भी करते तो, यदि ना भी करते तो भी तीन दो पाँच होता है, इसलिए अपन छः का गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर छः का दोस्तों, तो यहाँ पर दो का गुणा कर दें और यहाँ पर तीन दूना छः हाइड्रोजन और छः दूनी बारह, तो यहाँ पर दोस्तों कितना कर दे, तीन का, तीन दूना छः हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम दो है तो दो एल्यूमिनियम यहाँ पर गुणा कर दे। इस प्रकार जल से क्रिया होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये साधारण क्रियाएं हैं, आपसे बनने चाहिए, पेपर में आए या ना आए फिर भी बनने चाहिए। अगला दोस्तों अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया करा दी, अम्ल से क्रिया कराइए एल्यूमिनियम का, तो ये एल्यूमिनियम है दोस्तों, मैं क्रिया करा रहा हूँ HCl से, HCl अम्ल से क्रिया करा रहा हूँ, तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ पर जो दोस्तों H है, HCl है, कितने भागों में टूटेगा, एक तो H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो ये धनात्मक भाग Cl से क्रिया करके AlCl3 बनाता है। अब तीन Cl ही क्यों जुड़ते हैं दोस्तों, तीन Cl इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम का थ्री पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और दोस्तों जो H है, H क्या बनाएगा, H2 होकर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों तीन Cl है यहाँ पे, है ना, तो तीन Cl का यहाँ पर मैं गुणा भी कर दूँ तो 3H तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि दोस्तों 3H में यहाँ से बैलेंस ही नहीं होगा, तो यहाँ पर सम बनाने के लिए तीन का गुणा कर देंगे, यहाँ पर छः का गुणा कर देंगे, तो 6HCl 6 हो गए, तो दो का यहाँ, तो दो तिहाई 6Cl और दो एल्यूमिनियम, तो दो का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों अम्लों से क्रिया करके क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। अब मैं एक आपको रिएक्शन देता हूँ, आपसे बनना चाहिए और बनता भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्रिया कराइए एल्यूमिनियम का, क्रिया कराइए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति पे, और दोस्तों इसमें उत्प्रेरक के रूप में H2O है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आपको क्रिया कराना है और बताना है क्या बनेगा। तो दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम मेटा NaAlOH का होल फोर, ये दोस्तों सोडियम एल्यूमिनेट है, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैंने बैलेंसी कराना चाहा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर एक है तो सिंगल, ठीक है, OH यहाँ पे चार है और दोस्तों यहाँ पर H कितने हैं, दो और दो एक कितना हो गया, तीन, तो यहाँ पर बैलेंसी तो सही नहीं हो रहा है, तो अपन टू का मल्टीप्लाई कर दें, दो सोडियम हो गए तो टू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, एल्यूमिनियम यहाँ पे दो हो गए, टू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि कहूँ कि H2 बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, चार दूनी आठ हो गए, आठ दो दस हो गए, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों दो H दो दो चार है, तो यहाँ पर पाँच का पाँच दूनी दस कर दूँ, ठीक है, तो छः का करता हूँ, छः दूनी बारह, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना बचा दोस्तों, तीन दूनी छः। इस प्रकार से दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, मेटा एल्यूमिनेट नहीं दोस्तों, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है, NaAlO2 होता है दोस्तों, O2 होता है, क्या होता है, O2 होता है, यानी AlO2, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है और ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कि सोडियम एल्यूमिनेट है और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। इस प्रकार दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। अब मैं यदि कह दूं कि एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है तो बता सकते हैं क्या, तो सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों मिश्र धातु बनाने में, ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, सबसे अच्छा उपयोग, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं दोस्तों, जैसे खाद्य पदार्थ होता है ना, दवाइयाँ होती हैं, सिगरेट आदि,
ऊपर दोस्तों पदार्थ में लपेटने के काम में किया जाता है एल्यूमिनियम का प्रयोग। खाद्य पदार्थ होता है जैसे देखते होंगे मिठाई वगैरह, तो कभी कभी पतली पन्नी के रूप में दोस्तों वो एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, हल्का पीला कलर का या सफेद कलर का, क्योंकि ये व्हाइट क्रिस्टली होता है दोस्तों, है ना, तो उसके ऊपर भी हल्का परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसका दोस्तों एक और काम करते हैं जंग रोधी पेंट बनाने में, क्या बनाने में दोस्तों, जंग रोधी पेंट बनाने में, मतलब इसकी सहायता से अपन जंग रोधी पेंट बना सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों है ना काफी चीजें सीखे होंगे आप, है ना। आज तो मेन था हुब भी, और इसके साथ साथ मैं सोचा सारी चीज करा देता हूँ। क्या दोस्तों कि छोटी छोटी वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है आपको, मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, पेपर में आए या ना आए दोस्तों, लेकिन अपक्रिया संपन्न कराते बनना चाहिए, ताकि आप अपक्रिया कोई भी हो आप संपन्न करा सके, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।